नमस्कार, खबर एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जगदलपुर की रैली में छत्तीसगढ़ के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अरबों नक्सली खुद ऐश की जिंदगी जीते हैं और आदिवासी बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं। साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अरबन नक्सलियों के हक में खड़ी होकर वोटों की राजनीति करती है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित पीड़ितों को वोट बैंक के रूप में देखने का भी आरोप लगाया। आदिवासियों के कल्याण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि देश में कांग्रेस की कई सरकारें चली, लेकिन कभी आदिवासियों के विकास की चिंता नहीं की गई। अटल जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया, जिससे देश में आदिवासियों के लिए उनके विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 नवंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने मालदीव भी जाएंगे। भारत से उतार चढ़ाव भरे संबंधों के बाद अब पड़ोसी देश मालवीय के सत्ता परिवर्तन संबंधों के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत नए राष्ट्रपति इब्राहिम सोलही के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। देश में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कई अहम एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है। कैबिनेट ने देश के 6 एयरपोर्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से लीज पर देने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने आर्थिक सुधारों के लिहाज से कई और अहम निर्णय किए हैं। कैबिनेट ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 100% सरकारी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से बंदरगाहों में होने वाली ड्रेजिंग गतिविधियों के लिए तालमेल बनाने में सहायता मिलेगी। अपने 3 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को फ्रांस पहुंचे। फ्रांस में वो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेरिस शांति फोरम में होने वाले इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। फ्रांस में उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भारतीय समुदाय ने फ्रांस और भारत के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भारतीय समुदाय न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में योगदान देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई है। सेना के सूत्रों के मुताबिक तिक्किन गांव में हुई इस मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह को सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली कि तिक्किन इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। तुरंत ही राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाने लगी। जवाबी हमले में 2 आतंकी मारे गए। सांसद दुष्यंत चौटाला ने एक सीढ़ी जारी कर इनेलो से निष्कासन पर सवाल उठाए हैं। सीढ़ी के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि गोहाना रैली के दौरान उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। सीढ़ी में देखा जा सकता है कि जब कार्यकर्ता अभय की स्पीच के दौरान हंगामा कर रहे थे तो दुष्यंत उन्हें शांत रहने की सलाह दे रहे थे। इनेलो पार्टी में लगातार मच रहे घमासान के बाद दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि 2005 से लेकर आज तक जितने भी रैली जलसे हुए हैं उसमें हर ड्यूटी हमने निभाई है। ये पहली रैली थी जिसमें ना तो मेरी कोई ड्यूटी लगी और ना ही दिग्विजय की। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में रिपोर्ट बना करके चौटाला साहब के साइन करवाए गए हैं। साथ ही दुष्यंत ने कहा कि जिन मुद्दों को हमने लोकसभा में उठाया उन्हें कभी विधानसभा में नहीं उठाया गया। विधानसभा के पटल पर हमेशा बीजेपी की भाषा बोली जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोहाना रैली में युवाओं के जज्बात थे और जिन लोगों को जज्बात नहीं भाते उन्हें लोग हुड़दंग कहते हैं। पार्टी से निकालने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी या कोई पत्र नहीं मिला है। मेरे निष्कासन पत्र के प्रेस नोट पर ओपी चौटाला के अभी तक साइन नहीं है। इस बारे में मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला है। दिग्विजय चौटाला ने कैथल से मीडिया से बातचीत करते हुए नेलो में चल रहे घमासान पर कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब रेलगाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो उसे डी रेल कहते हैं। उसे दोबारा पटरी पर लाने का काम किया जाता है और डैमेज कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है।
दिग्विजय ने कहा कि जो लोग बदनीयत रखते हुए षड्यंत्र करने की सोच रहे थे, हम उनके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी अजय चौटाला ने दोबारा बाहर आकर गाड़ी को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। शुक्रवार को सिरसा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि 1 दिसंबर से कुरुक्षेत्र से इनेलो की अधिकार यात्रा शुरू होगी। इस दौरान एक विशेष बस में सवार होकर अधिकार यात्रा की जाएगी। इस यात्रा के जरिए SYL स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, कर्मचारी आंदोलन सहित प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 002E बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को खाड़ फेंकने तक अधिकार यात्रा जारी रहेगी। वहीं इस दौरान इनेलो में चल रहे गतिरोध पर अभय चौटाला ने कहा कि अजय सिंह उनके बड़े भाई हैं। साथ ही अभय ने कहा कि अजय जब भी बुलाएंगे वो मुलाकात के लिए तैयार है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को खतरनाक स्टेटमेंट ना देने की सलाह दी है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बयान दिया था कि वो पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा में चल रही जांच में पूर्व सीएम हुड्डा का नाम कमेटी की रिपोर्ट में आने पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने बचाव के चक्कर में क्यों किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार इतनी पाक साफ है तो प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक करती। कुरुक्षेत्र से सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी ने अपने दिल्ली आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं के साथ वहां वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर सांसद सैनी ने कार्यकर्ताओं को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा दिवस और छठ पूजा की बधाई दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद सैनी ने साफ लफ्जों में कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार आने पर भेदभाव को दूर किया जाएगा। वहीं नेलो पर तंज कसते हुए कहा कि यह परिवार अभी भी नौटंकी कर रहा है, लेकिन जनता सब समझ रही है। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग जारी है। कांग्रेस के बात पर हरियाणा के वित्त मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि विमुद्रीकरण का 2 साल पहले जो फैसला हुआ था उसने देश की अर्थव्यवस्था में ऊंची छलांग लगाने का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अर्थव्यवस्था में हमारे देश विश्व में 6ठे पायदान पर था और वो जल्द ही 5वें पर आने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश को व्यापार करने की सहूलियत के हिसाब से 142वें स्थान पर रखा था, मगर मोदी जी के प्रयासों से हमें 77वें स्थान पर हम आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 लाख करोड़ का पैसा जिसका मालिक कौन था ये सामने नहीं था, अब उसके मालिक की जानकारी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हुई है। इसके फलस्वरूप 67% नए कर दाता देश की कर व्यवस्था से जुड़े हैं। भैया दूज के मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के स्लम इलाके में बहनों के साथ त्योहार मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों बहनों ने कैबिनेट मंत्री और तिलक लगाया, उनको तिलक लगाया और उनका मुंह मीठा करवाया, तो कैबिनेट मंत्री ने बहनों को साड़ी और मिठाइयां बांटी। दरअसल कैबिनेट मंत्री हर त्योहार के मौके पर स्लम इलाके में जाकर के आम लोगों के साथ त्योहार मनाते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए विपुल गोयल ने कहा इससे पहले किसी नेता ने त्योहारों पर स्लम क्षेत्र में लोगों की कभी सुध नहीं ली, बल्कि चुनाव के मौके पर पैसा देकर के वोट खरीदते हैं और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बदस्तूर जारी है। ताजा मामला नारनौंद का है, जहां एक 12 साल के बच्चे से सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घिनौनी हरकत हुई है। जब बच्चे ने इसकी खबर परिवार वालों को दी तो वे आनन फानन में उसे नारनौंद के नागरिक अस्पताल लेकर के गए। साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। पुलिस ने तुरंत बच्चे को इलाज के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल में भेज दिया है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि जब बच्ची सुबह मवेशियों को चराने गई थी उसी समय आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। आरोपी की उम्र 40 साल बताई जा रही है और पुलिस को फिलहाल उसकी तलाश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबरों का। एनसीआर में दिल्ली गुरुग्राम के बाद अब स्मॉग का कहर रेवाड़ी की फिजाओं में भी फैलने लगा है। सुबह के वक्त लोग अब स्मॉग के जहर से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर निकल रहे हैं ताकि इससे कुछ हद तक बचा जा सके।
रेवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 80 के पार हो चुका है, जिससे लोगों की आंखों में जलन हो रही है, साथ ही सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखों की बिक्री में कमी नहीं रही और लोगों ने देर रात तक पटाखे बजाए, जिसकी वजह से प्रदूषण ने हवा को जहरीला बना दिया। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हो रहे प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिवाली से पहले शुरू हुआ प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सहित पूरा एनसीआर धुएं और धुंध की चपेट में आ गया है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं। दिवाली के बाद से दिल्ली और एनसीआर की हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ा है। इसके साथ ही बेंजीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ गया है। हवा में मौजूद जहर अभी भी खतरनाक स्तर पर है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जुकाम और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रहा है। दिल्ली से सटा गुरुग्राम भी प्रदूषण की चपेट में है और अब इस बहादुरगढ़ में प्रदूषण की काली चादर में घिरता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को बहादुरगढ़ का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। PM2 की मात्रा 400 माइक्रोग्राम और PM10 की मात्रा 550 ग्राम माइक्रोग्राम तक जा पहुंची है। हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने हरियाणा प्रशासन को चिट्ठी लेकर के आदेश दिया था कि 1 से 10 नवंबर तक निर्माण कार्य और कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी जाए। हालात ये हैं कि कूड़े के जलने से निकल रहा धुआं लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गया है। फिलहाल नियंत्रण प्राधिकरण ने अग्निशमन विभाग को भी आग बुझाने के लिए पत्र लिखा है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की एक वीडियो जमकर के वायरल हो रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल करके रख दी है। दरअसल सिविल अस्पताल के फर्श पर एक महिला मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी है। वीडियो में महिला के मुंह और नाक से खून आ रहा है, लेकिन उसके आसपास ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई नर्स है। मृतक महिला के बेटे के मुताबिक उसकी मां की हालत गंभीर बताकर के उसे भर्ती करवा लिया गया, लेकिन नर्स ने उन्हें किसी भी टेस्ट के बारे में नहीं बताया। साथ ही उसका कहना है कि अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मरीजों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। फतेहाबाद की पुरानी अनाज मंडी और नई अनाज मंडी से धान की बोरियां चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। अनाज मंडी में चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार तीन युवक मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे बाइक पर आते हैं और इधर उधर नजर दौड़ा करके दुकान के बाहर पड़ी धान की बोरियां अपनी बाइक पर लाद करके मौके से फरार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट का दौर जारी है। शनिवार को भी तेल के दामों में आम लोगों को राहत मिली है और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 77.89 रुपए प्रति लीटर जबकि 72.58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी शनिवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 17 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज हुई है और शहर में पेट्रोल के दाम 83.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 76.05 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अक्टूबर से तेल की कीमतों में कटौती का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। तब से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल की कीमतों में 3 रुपए कम किए जा चुके हैं। वेस्टइंडीज के गयाना में चल रहे महिला टी20 विश्व कप में भारत ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। गयाना में हुए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत की आतिशी पारी की बदौलत 194 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 195 रनों का पीछा करते हुए उत्तरी न्यूजीलैंड की टीम ने धुआंधार शुरुआत की, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद उनकी पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 20 ओवरों में महज 160 रन ही बना सके। भारत की तरफ से हेमलता और पूनम यादव ने 3-3 विकेट लिए। गयाना में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने इतिहास रच डाला। हरमनप्रीत ने 51 गेंदों में 7 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 103 रनों की तूफानी पारी खेली। भारत की ओर से किसी भी महिला टी20 मैच में लगाया गया पहला शतक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाले हॉकी विश्व कप में पाकिस्तानी टीम के आने पर असमंजस लगातार बना हुआ है। इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से न आने की कोई वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल फेडरेशन उनका आना तय समझ रहा है।
दंगल में दमखम दिखाएंगे देश भर के नामी पहलवान। लोहारू के बहल में देश भर के विश्वविद्यालयों से आए पहलवान कुश्ती दंगल में अपना दमखम दिखाएंगे। 14 से 18 नवंबर तक 5 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेस्लिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन बीआरसीएम कॉलेज में सीबीएलयू भिवानी द्वारा करवाया जाएगा। फिलहाल खबर एक्सप्रेस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।